सहारनपुर पुलिस लगातार अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने का काम कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने मौत का सामान बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने छापेमार कार्यवाही कर मौके से 3 लोगों को दबोच लिया, साथ ही भारी संख्या में बने और अधबने तमंचे समेत हथियार बनाने का सामान बरामद किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चनप्पा ने जिला सहारनपुर में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस अधीक्षक नगर और सीओ प्रथम के निर्देशन में कोतवाली पुलिस ने क्राइम ब्रांच के साथ गड़ी मलूक बीएसएनएल टावर के पास छापा मारा, जहां अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पकड़ी और मौके से 3 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने मौके से 2 पिस्टल, 12 तमंचे और 7 कारतूस के साथ कोयले की भट्टी, पंखा और हथियार बनाने का सामान बरामद किया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान मुकरीम निवाली शामली, आबिद निवासी मेरठ और शाहदीन निवासी शामली के रूप में। आज सहारनपुर क्राइम ब्रांच और थाना कोतवाली सिटी द्वारा एक अवैध अस्त्र शस्त्र बनाने वाले गैंग को पकड़ा गया है और इनके पास से काफ़ी मात्रा में जो अवैध असलाह बरामद हुए हैं, इसमें 1-2 पिस्टल है और 12 तमंचे हैं। और इसके साथ साथ इनका जो बनाने वाला उपकरण सभी बरामद हुए हैं और 3 अभियुक्तों का गिरफ्तारी हुई है। इसमें 1 अभियुक्त थाना कैराना से गैंगस्टर में वांटेड भी है और इन तीनों का काफ़ी आपराधिक इतिहास है और ये लोग इस तरह का अवैध अस्त्र बना के जो बेचते थे, इनका पूरा जो पूरा हिस्ट्री हम लोग कंगाल रहे हैं और कौन कौन लोग इसमें जुड़े हुए हैं और कहां कहां इन्होंने बेचे हैं, तो इस संबंध में गहराई से छानबीन भी शुरू कर दी गई है और इनके विरुद्ध गैंगस्टर के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी और इनका संपत्ति कुर्क करने का भी कार्रवाई की जाएगी।